औरैया में चोरी की 10 बाइकों समेत अंतर्राज्यीय चोर मैकेनिक गिरफ्तार। यूपी के औरैया जनपद के सदर कोतवाली पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने व सफल अनावरण के लिए मुखबिर का सहारा लिया। मुखबिर की सटीक सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस व श्वेत टीम ने कोतवाली क्षेत्र में संचालित श्री केशव दर्शन वाटिका के पास देर रात्रि में घेराबंदी करते हुए अछलदा निवासी मोटरसाइकिल मैकेनिक जीत सिंह, जो कि अछलदा थाना क्षेत्र का निवासी है, वो मोटरसाइकिल मैकेनिक है, उसकी ऑटो रिपेयर की दुकान भी है, मैं चोर की बाइक समेत गिरफ्तार किया, जबकि उसके दो अन्य साथी भागने में सफल रहे। पकड़े गए छात्र चोर की निशानदेही पर अन्य जनपदों और राज्यों से चुराई हुई 10 बाइकों और पार्ट्स, बाइकों के नंबर प्लेट व बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि अन्य राज्यों जनपदों से बाइकों की चोरी करने के बाद उसके पार्ट्स और 6-6 नंबर को बदलकर बाइकों को आराम से बेच देते थे। जब पुलिस ने बरामद बाइकों के 6-6 नंबर का मिलान किया तो पकड़े गए आरोपियों की बात सही साबित हुई। पुलिस ने ही चालान की मदद से सभी बाइकों की चेकिंग से मिले 6-6 नंबर के आधार पर सभी बाइकों को मालिकों से संपर्क कर व अन्य जनपदों में चोरी की बाइकों की डिटेल मांगने की बात कहने के साथ फरार दो आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी की बात कही। ब्यूरो चीफ विमल पांडे की रिपोर्ट। और जिसका नाम जीत सिंह है, ये थाना छलदा क्षेत्र का रहने वाला है। थाना छलदा क्षेत्र में इसकी एक स्पेयर पार्ट्स की और मोटरसाइकिल रिपेयर करने की दुकान भी है, जिसको वो एक माध्यम के रूप में यूज़ करता है, जहाँ पर ये चोरी की गई बाइक्स का आदान प्रदान और वहीं से उसको उनके नंबर प्लेट्स बदल कर वहाँ से इन बाइक्स को जगह जगह बेचता है। तकरीबन 10 जो चोरी की मोटरसाइकिल्स हैं इसके पास से बरामद की गई हैं। इसके द्वारा बताया गया है कि लंबे समय से ये और इसके दो अन्य साथी, और इसने कुछ अन्य लोगों का नाम भी बताया है जो कि शहर क्षेत्र में भी एक्टिव हैं और चोरी कर रहे हैं, उनका नाम बताया है और बता रहे हैं कि लंबे समय से ये लोग मोटरसाइकिल स्कूटी चोरी करते हैं और ये टारगेट ऐसी मोटरसाइकिल्स पे करते हैं जिनका थोड़ा सा लॉक यूनिवर्सल टाइप का होता है, जो आसानी से जिसकी लॉक तोड़ा जा सकता है या खोला जा सकता है। इस में जो मोटरसाइकिल्स हैं उन सभी के जो इंजन नंबर हैं, चेसिस नंबर हैं, वो हम लोगों ने प्राप्त कर लिए हैं और प्राप्त करने के बाद इन सभी के जो ओनर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करते हुए जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है इसमें की जा रही है, और अभी के लिए जो अभियुक्त है उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।